नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जनसभा में किया दावा, प्रदेश के अफसर जनता से कर रहे रुपयों की वसूली। एसडीएम के रीडर का घूस लेते वीडियो वायरल, जमीन डायवर्सन के लिए किसान से मांगे 80,000। स्कूल खुलते ही 43,000 सफाई कर्मियों का इस्तीफा, कहा सभी काम कराते हैं और देते हैं मात्र 2300 रुपए। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने रायपुर में भाजपा की ओर से आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में दावा किया कि प्रदेश के अफसर जनता से रुपयों की वसूली कर रहे हैं। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रेणुका सिंह ने कहा कि हम प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं तो वहां के अधिकारी खुद बताते हैं कि हम जनता से वसूली करते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम जनता व ठेकेदारों से वसूली नहीं करेंगे तो कहां से रुपए रायपुर भेजेंगे। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कोरबा में कोयला चोरी पर अधिकारियों का कोई नियंत्रण नहीं है, कोरबा को धनबाद बनाने की हरकत हो रही है। हमारे नेता ओपी चौधरी ने कोयला चोरी की बात बताई तो उस पर FIR दर्ज कर दी गई। विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो लोग भाजपा पर विश्वास जताते हैं। महासमुंद जिले में बागबाहरा में SDM के रीडर का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। रीडर ने कैमरे के सामने एक किसान से 30,000 रुपए लिए। उसने 10,000 रुपयों की मांग और की। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने रीडर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी रोशनलाल सोनी अभी सरायपाली तहसील में सहायक वर्ग 2 के पद पर तैनात हैं। कुछ दिनों पहले वह बागबाहरा के SDM के रीडर की हैसियत से तैनात था। वहां उसने एक किसान को भूमि डायवर्सन के लिए परेशान किया, उसके बाद काम कराने के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी। महासमुंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने रिश्वतखोरी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचार माना है। इन आरोपों के आधार पर क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में रोशनलाल सोनी को महासमुंद तहसील से अटैच किया गया है, उसे जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। राजधानी रायपुर में करीब 43,000 स्कूल सफाई कर्मियों ने अपना इस्तीफा दे दिया। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए सफाई कर्मचारी अपने साथियों का इस्तीफा लेकर आए। विरोध रैली निकालकर कर्मचारियों ने आज सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश के हजारों स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही सफाई कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। कर्मचारियों ने कहा कि उनसे स्कूल में हर तरह का काम करवाया जाता है, यहाँ तक कि कई नक्सल प्रभावित गाँव में तो पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी टीचर्स की गैर मौजूदगी में क्लास तक लेते हैं। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के लोकेश्वर साहू ने बताया कि रायपुर के धरना स्थल पर वे 118 दिनों से धरना दे रहे हैं। हमें नियमित करने का वादा किया गया था मगर वादा पूरा नहीं किया गया। काम के बदले में हमें सिर्फ 2,300 रुपए मिलते हैं। ऐसे में महंगाई के जमाने में घर चलाना मुश्किल है। अब जब तक हमें नियमित नहीं किया जाता हम काम पर लौटने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ गई है। अचानक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा इलाके के दौरे पर रहे। उन्होंने शाला प्रवेश उत्सव के दौरान बच्चों को यूनिफॉर्म बांटा। शाम होते होते उन्हें कमजोरी और थकान की दिक्कत हुई। सावधानी बरतते हुए उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल मंत्री भगत डॉक्टरों की निगरानी में है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।